तो दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार आप अपने यहाँ पर टीवी को अपने मोबाइल के साथ किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर पता होगा कि यार बहुत सारों को यहाँ पर जो है अपने यूएसबी केबल लगाता है, अपना मोबाइल यहाँ पर चार्ज होने लग जाता है, ना कि उनको यार ये ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर फाइल ट्रांसफर वाला है, ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बस ओनली आपका फ़ोन चार्ज ही होता है और कुछ भी नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ पर किस प्रकार से अपनी एनर्जी की सेटिंग करनी है, तो आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो है गाइस, मेरा नाम है राज और आप सभी का स्वागत है यार टेक्निकल राज यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। तो गाइस यहाँ पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब किए, क्योंकि यहाँ पर यदि आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो यहाँ पर मैं जब भी कोई अगले वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अब गाइस यहां पर मैं जल्दी से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है गाइस, यहां पर आपकी जो टीवी है गाइस, यानी कि जो एलईडी टीवी है, उसमें गाइस यहां पर एक यूएसबी पोर्ट रहता है। आपके यहां पर जो भी है गाइस, यहां पर यदि आपके पास टाइप सी केबल है या फिर जो और अलग केबल है, तो गाइस उसे यहां पर आप पहले लगा दीजिए। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो गाइस, यहां पर कुछ इस प्रकार से यहां पर आपको लगा देना है। इसके बाद में गाइस यहां पर अब आपको गाइस यहां पर करना क्या है, अपने जो टीवी है गाइस उसकी यहां पर एक छोटी सी सेटिंग करना होता है आपको, उसे यहां पर आपको सबसे पहले कर। बहुत सारे लोग यार यही गलती करते हैं, यहां पर यूएसबी लगाने के बाद गाइस उन्हें यहां पर टीवी में कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहां पर आपको किस प्रकार से सेटिंग करना है पूरी जानकारी यहां पर आपको मैं देने वाला हूं। तो यहां पर आपके पास टीवी का रिमोट होगा, उसमें यहां पर आपको एक बटन नजर आएगा सोर्स वाला। अब गाइस यहां पर देखिए, सोर्स वाला बटन यहां पर प्रत्येक टीवी में रहता है, तो गाइस यहां पर आप अपने रिमोट से प्रेस कर दीजिएगा सोर्स वाला बटन। तो यार यहां पर सोर्स वाला बटन दबाने के बाद में यहां पर आपके सामने यहां पर कुछ इस प्रकार से शो नजर आएंगे। टीवी है, एवी है, YPBA और यहाँ पर HDMI है, VGA और यहाँ पर मीडिया है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है भाई मीडिया पर। तो गाइस यहाँ पर मैं मीडिया भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको भी यहाँ पर सेम इसी प्रकार से मीडिया को सेलेक्ट कर देना है। मीडिया यहाँ पर जिस प्रकार आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर अभी नो डिवाइस ऊपर यहाँ पर लिखा रहेगा। अभी यहाँ पर कोई भी डिवाइस आपके यहाँ पर इससे कनेक्ट नहीं है, फोटो म्यूजिक वगैरह जो भी है आप यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद में इन सारी चीज़ों को देख सकते हो अपने मोबाइल के थ्रू। तो गाइस यहाँ पर आप जिस प्रकार आपने गाइस यहाँ पर टीवी में यहाँ पर अपने जो यूएसबी पोर्ट में वो लगाए थे गाइस, यहाँ पर यूएसबी केबल उसका यहाँ पर एक हिस्सा यहाँ पर अपने मोबाइल में आपको लगा देना है। अभी गाइस यहाँ पर ये टाइप सी है, तो आपके पास यहाँ पर जैसे भी केबल हो तो यहाँ पर अपने मोबाइल पर इंसर्ट कर लीजिएगा उसको। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने कर लिया और देख सकते हो गाइस यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया फाइल ट्रांसफर वाला और जो भी ऑप्शन है। यदि गाइस यहाँ पर आप सोर्स वाले बटन पर नहीं जाते और यहाँ पर इसे डायरेक्टली आप लगा देते तो यहाँ पर आपके मोबाइल में अभी ये ऑप्शन शो नहीं होते। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो मेरे यूएसबी के थ्रू यहाँ पर मेरा जो मोबाइल है वो यहाँ पर मेरे टीवी से कनेक्ट हो चुका है। और गाइस यहाँ पर अब यहाँ पर आपके जो फोटो वगैरह है, म्यूजिक वगैरह है, मूवी वगैरह है, वो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो अपनी टीवी में, यानी कि अपने मोबाइल के साथ आप यहाँ पर जो भी है स्टोरेज वगैरह वो यहाँ पर अपनी टीवी में देख सकते हो सारे सारे म्यूजिक वगैरह।